बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। जी हाँ, आज जम्मू कश्मीर के लिए वाकई में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना का जो है शिलान्यास किया, यानी आज एक योजना को फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लॉन्च किया। मैं आपको सबसे पहले इस योजना का नाम बताना चाहूँगा। आयुष्मान भारत का नाम तो आपने पहले ही सुना होगा, लेकिन इसको और ज़्यादा गहराई और गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए इस स्कीम को फिर से लॉन्च किया है, जिसका पूरा नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय सेहत योजना है, जो जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और कुछ कार्ड्स, कुछ गोल्डन कार्ड्स जो हैं अभी तक बना लिए हैं। अब किश्तवाड़ के अंदर किस तरह की प्रक्रिया रहेगी, कैसे ये जो आगे प्रक्रिया चलेगी, कब से प्रोसेस शुरू होगा, इस सब पर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद रहेंगे किश्तवाड़ से सीएमओ साहब डॉक्टर रविंदर सर। सीएमओ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज इस स्कीम का एक बार फिर से लॉन्च हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, प्रधानमंत्री ने इसकी जो है खुद डिजिटल मीडिया के थ्रू ये लॉन्च की, किस तरह से इसका प्रोसेस है थोड़ा सा लोगों को बताइए। इसमें जो भी हमारी रियासत का बाशिंदा है उसको अपने नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर पे जाना है, कोई आईडी प्रूफ लेके, जैसे आधार है, राशन कार्ड है, ये लेकर जाना है। वहाँ पे उसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो जो वीएलई वहाँ बैठा है वो उसका बीआईएस पे जाके देखेगा, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के ऊपर जाके चेक करेगा कि क्या ये नाम पोर्टल पर है कि नहीं है। अगर है तो उसको उसकी वहाँ पर बायोमेट्रिक होगी, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो इतनी भी रजिस्ट्रेशन होगी उनका इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल करेगी। जब उसका नाम अप्रूव हो जाएगा तो फिर वो उसी कॉमर्स सर्विस सेंटर से उसको एक कार्ड मिलेगा, जिस कार्ड को लेके वो हिंदुस्तान में कहीं भी जाके, उनका पूरा परिवार कहीं भी जाके 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है, फॉर उन बीमारियों के लिए जिन बीमारी के लिए हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। किश्तवाड़ में काफ़ी दूर दूर जगहें भी हैं, उस तक आप कैसे पहुंचा रहे हैं? किश्तवाड़ में जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहां पे ये फैसिलिटी मिलेगी, जो सर्विस फ्री हेल्थ सर्विस मिलेगी कार्ड होल्डर्स को, और दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मड़वा। तो मेरी कोशिश है कि पीएससी छात्रों और पीएससी अठौली को भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, बट लेट अस सी आगे क्या होता है। सर, अभी हम प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे, जिसका गोल्डन कार्ड होगा, क्या वो अपने जम्मू कश्मीर यूटी से बाहर भी कहीं भी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है? टोटल को 23,000 हॉस्पिटल है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिला के, जो इसमें एम्पैनल्ड है, उनमें जाके वो कहीं भी इलाज करा सकता है इन 23,000 हॉस्पिटल से। कुछ नर्सिंग होम ने नहीं कराया, एम्पैनल नहीं कराई होगी, तो सिर्फ उन्हीं में इलाज फ्री होगा जो एम्पैनल्ड है। क्या, तो वो कोई 23,000 टोटल को 23,000 हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया। क्या जिन लोगों के कार्ड्स बने होंगे वो जिस भी हॉस्पिटल में जाएगा, क्या उसमें उस हॉस्पिटल को पहले से ही जानकारी होगी या उस कार्ड पे कोई नंबर होगा, किस तरह से वो होगा? जितने भी एम्पेंडल हॉस्पिटल हैं वहाँ पर एक आरोग्य मित्र अपॉइंट किया गया है, जो कि इनके फॉर्म वगैरह या इंश्योरेंस वगैरह का काम सारा वो देखेगा, इनको हेल्प आउट करेगा, डॉक्टर के पास भी दिखाएगा, फिर इनका जो पेपर वर्क होता है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए वो सारा वो आरोग्य मित्र करेगा। लोग कंफ्यूजन में हैं, कोई बीपीएल, कोई एपीएल, कोई दूसरा, क्या इसमें कंफ्यूजन रखना चाहिए या फिर हर फैमिली को ये कार्ड जो है बनेगा? एवरीबॉडी हु इज रेजिडेंट ऑफ J&K यूटी, हु इज हैविंग डोमिसाइल और स्टेट सब्जेक्ट इज एंटाइटल्ड। तो परिवार का एक ही कार्ड बनेगा? नहीं, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी का एक कार्ड बनेगा, परिवार का नहीं, हर बेनिफिशियरी को कार्ड बनवाना है। तो इसमें 2011 का सेंसस लिया था इन्होंने, तो अब एक और प्रोसेस शुरू किया कि जो बीआईएस पे नाम नहीं चढ़े हैं तो उनका एक प्रोसेस ये रखा है कि ब्लॉक लेवल पे इन्होंने तहसीलदार के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई है, इसमें बीएमओ भी मेम्बर होगा, मेम्बर सेक्रेटरी होगा, तो वो इंक्लूजन के लिए जो लेफ्ट आउट है वो वहाँ से रिकमेंडेशन आएगी सीएम ऑफिस में। तो यहाँ पे हमें 2 यूजर आईडी दिए गए हैं, तो यहाँ से हम उनको बीआई सिस्टम पे इंक्लूड करवा देंगे। इस कार्ड को बनने का कितना टाइम पीरियड रहेगा, कितने दिन लग सकते हैं इसको बनने में? ये कॉमन सर्विस सेंटर वाला इसका अच्छा जवाब दे सकता है, क्योंकि ही इज़ द डेजिग्नेटेड पर्सन टू
कैरी आउट दिस रजिस्ट्रेशन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, तो यूजली 4-5 दिन लग ही जाते हैं। किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, दूर दराज यहाँ पे लोग बसते हैं, उन तक ये जानकारियाँ नहीं पहुँचती हैं, और किस किस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम, किस तरह की जागरूकता आप फैला रहे हैं किश्तवाड़ के? जैसे यहाँ पे फंक्शन हुआ ना, ऐसे ही हमने हेल्थ ब्लॉक लेवल पर भी आज ही फंक्शन किया है, वहाँ पर भी हमने PRIs बुलाए हैं, मेंबर इलेक्ट भी बुलाए हैं, वो भी सरपंच पंच, जो हमारा जो डोर टू डोर वाला हमारा एक सिस्टम है, जैसे आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इवन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, सॉरी ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इन सबको हमने वहाँ पे इनवाइट किया है ब्लॉक लेवल पर भी। तो वहाँ पर भी SDM की मतलब चेयरमैनशिप में वहाँ पर भी सेम फंक्शन हमने किया है, वहाँ पर भी यही IC मटेरियल वगैरह हमने बांटा। तो कोशिश ये है कि भाई वर्ड ऑफ माउथ भी हम कंपेन करेंगे, हम भी मोबिलाइज करेंगे, कोशिश करेंगे कि लोग कॉमन सर्विस सेंटर पे आए, जैसे DC साहब ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से आए, तो कार्ड जनरेट करवाएं और अपना ट्रीटमेंट मुफ्त करवाएं। एक और चीज़ है इसमें, इसमें सिर्फ इंडोर पेशेंट्स का ही फ्री इलाज होगा, मतलब जो दाखिल होगा, दाखिल होने से 1-2 दिन पहले के जो खर्चा है, जैसे प्री ऑपरेटिव होता है ना, तो वो भी इंक्लूड होगा, और दाखिल के बाद 15 दिन का फॉलोअप, 15 दिन तक, हाँ, जो भी उसमें दवाई है, बाकी चीज़ें हैं, वो सब कुछ उसको दिया जाएगा, सर्जरी फ्री होगी, सब कुछ जो भी होगा ना, दैट विल बी मतलब टोटली फ्री ड्यूरिंग एडमिशन एज वेल एज आफ्टर एडमिशन फॉर 2 वीक्स। तो इसमें OPD सर्विस जो है वो फ्री नहीं है, वो जैसे पहले चल रही वैसे ही चलेगी। ये कंपलसरी हर एक इंडिविजुअल को बनाना ज़रूरी है, या जो नहीं बनाना चाहिए, या फिर आप भी डोर टू डोर इसकी सर्वे करेंगे कि किसको नहीं बना उसको बनाएंगे? ये आधार लिंक्ड है, तो जो बेनिफिशियरी है उसको कॉमन सर्विस सेंटर में आके बायोमेट्रिक करानी ही करानी है, तो इसको मतलब डोर टू डोर हम नहीं जा सकते कार्ड देने के लिए। डोर टू डोर हम कंपेन कर सकते हैं, भाई आइए कार्ड बनाइए, लेकिन कार्ड डोर टू डोर नहीं बनेगा, कार्ड के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में आना पड़ेगा। यहाँ से क्या मैसेज देंगे किश्तवाड़ के लोगों के लिए? कॉमन सर्विस सेंटर पर जाए, कार्ड बनवाएं, फिर भी कुछ लोगों को कार्ड नहीं बनता है, बीमार हो जाते हैं कार्ड बनने से पहले, तो भी उनको हमारा आरोग्य मित्र जो है वहाँ पर वो BI सिस्टम पर देख के बता देगा कि आपका इलाज फ्री होगा या नहीं होगा। अगर वो BI सिस्टम पर रजिस्टर्ड और कार्ड नहीं बना है, तो वो आरोग्य मित्र हॉस्पिटल के अंदर भी उसका कार्ड बनाने की बनाएगा, लेकिन सिर्फ पेशेंट का, आम का नहीं। ऐसे जैसे कॉमन सर्विस सेंटर वाले सबको बना रहे हैं वैसे नहीं, ऐसे कोई पेशेंट आ जाता है नहीं उसका कार्ड है, तो वो चेक करके देख लेगा भाई हाँ ये BI सिस्टम है, रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो वो उसका कार्ड भी बना देगा और उसका ट्रीटमेंट फ्री होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी साझा करने के लिए। किश्तवाड़ से CMO साहब थे इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग सामने आएँ और इस योजना का पूरी तरह से लाभ उठाएं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हम ज़रूर आपकी सेवा के लिए आपके सामने आएंगे, और प्रशासन से भी हम लगातार जुड़े रहेंगे, और जो भी इसके संबंधित जो भी आगे जानकारी होगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए फायर मीडिया।